नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नज़र आज के हेडलाइंस पर। शिवरात्रि के कार्यक्रमों का सिलसिला चालू। पंजाब के बठिंडा सेवा केंद्र पहुंचे कैबिनेट मिनिस्टर मनप्रीत सिंह बादल। शिव ध्वज फहराकर किया कार्यक्रम का आगाज। इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों का आगमन। कुछ देर की मेडिटेशन की गहन अनुभूति। ग्वालियर में ब्रह्म कुमारीज द्वारा नव नियुक्त स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर और वार्ड हेल्थ ऑफिसरों का सम्मान। बीके आदर्श ने कुछ देर कराया राजयोग मेडिटेशन। शिवरात्रि आने में अभी लगभग 15 दिन से ज्यादा बाकी हैं, लेकिन ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा शिवरात्रि के कार्यक्रमों का सिलसिला शानदार तरह से चालू हो गया है। सबसे पहले पंजाब के बठिंडा सेंटर ने इसकी शुरुआत करते हुए सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पंजाब सरकार में फाइनेंस, टैक्सेशन, गवर्नेंस रिफॉर्म्स के कैबिनेट मिनिस्टर मनप्रीत सिंह बादल पहुंचे। उन्होंने सर्वप्रथम शिव ध्वज फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आगे मनप्रीत सिंह बादल से बीके शिवानी और बीके मधु ने चर्चा करते हुए शिवरात्रि के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट किया और अंत में उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। यूपी में इन दिनों चुनाव चल रहा है और मध्य प्रदेश में उसकी तैयारियां। इसी के चलते बूथ निरीक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी इंदौर शहर के दौरे पर थे। इसी दौरान उनका ब्रह्म कुमारीज के कलानी नगर सेवा केंद्र पर आना हुआ, जिनमें भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री मुरलीधर राव, प्रदेश प्रभारी भगवान दास सबनानी, इंदौर नगर प्रभारी तेज बहादुर सिंह, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, मंडल महामंत्री संदीप दुबे और नगर सुरक्षा समिति के सदस्य महेश चावड़ा प्रमुख थे। इन सभी से सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने मुलाकात करते हुए संस्था द्वारा की जा रही सेवाओं की संक्षिप्त में जानकारी दी और उन्हें मेडिटेशन रूम में कुछ देर के लिए राजयोग मेडिटेशन की अनुभूति भी कराई। ग्वालियर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत ब्रह्म कुमारीज द्वारा वार्ड नंबर 36, 44 एवं 57 के नव नियुक्त ब्रांड एम्बेसडर और वार्ड हेल्थ ऑफिसरों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श ने नव नियुक्त ब्रांड एम्बेसडर, वार्ड हेल्थ ऑफिसरों और 30 सफाई मित्रों का सम्मान किया। इसके पश्चात बीके आदर्श ने सभी को राजयोग मेडिटेशन की जानकारी देते हुए कुछ देर के लिए मेडिटेशन भी कराया। तनाव, धूम्रपान व अल्कोहल के सेवन से 50 तरीके के कैंसर की पुष्टि हुई है, ऐसा कहना है चंडीगढ़ पीजीआई के कैंसर विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर बुद्धि सिंह यादव का। दरअसल डॉक्टर बुद्धि सिंह मोहाली के सुख शांति भवन में कैंसर जागरूकता पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए और अपने भाषण में उन्होंने कैंसर से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों का जिक्र करते हुए कई सावधानियां भी दी। वर्ल्ड वाइड मोर देन 20% मतलब 20% से ज्यादा जो कैंसर डेथ्स होती हैं, वो स्मोकिंग या टोबैको इंड्यूस्ड कैंसर के कारण ही होती है। और लंग कैंसर में जो डेथ होती है 80-90% मतलब 10 में से 9 लोग जो मरते हैं वो स्मोकिंग इंड्यूस्ड कैंसर से ही मरते हैं। कार्यक्रम में आगे सीनियर राजयोग टीचर बीके रमा ने राजयोग की जानकारी देते हुए कहा कि इसके अभ्यास से हम कैंसर जैसी बीमारी पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैं चेतन सत्ता, अजर अमर, अनादि अविनाशी हूँ। जब मैं सतोगुणी हूँ तो मैं संपूर्ण निर्विकारी हूँ, सर्वगुण संपन्न हूँ, 16 कला संपूर्ण हूँ, निरोगी हूँ। हम भगवान को कैसे याद करके अपनी दर्द को उसी समय कम कर पाते हैं, ये तो हमने सीखा ही था, उसको यूज़ किया। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि मुझे जो सपोर्टिंग मेडिसिन्स लेनी पड़ती थी वो सिर्फ मैंने
फर्स्ट कीमो के बाद ली, उसके बाद मुझे उसकी परसेंटेज नियरली निग्लिजिबल थी यूज़ करने की, जैसे वॉमिटिंग, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन या और भी जितने भी सिम्टम्स हैं, बहुत लंबी लिस्ट है इनकी, तो वो बहुत कम लेनी पड़ी। यूपी के प्रयागराज स्थित सद्भावना साधना केंद्र पर जर्नी फॉर फ्रीडम विषय पर कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ क्षेत्र निदेशिका बीके मनोरमा समेत पूरे प्रदेश के जाने माने कवियों द्वारा दीप जलाकर हुआ। शुभारंभ के पश्चात कवियों ने कोरोना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समेत कई मुद्दों पर अपनी कविताएं सुनाई। जिनका बीके मनोरमा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। यहाँ भी मां सरस्वती के नाम है, मैं सबकी हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। महाराष्ट्र के सांगली स्थित सैन्य और पुलिस भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केंद्र यशोदीप करियर एकेडमी में ब्रह्म कुमारीज द्वारा सकारात्मक चिंतन विषय पर वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता मुख्यालय माउंट आबू से पहुंचे वरिष्ठ राज्यक शिक्षक बीके भगवान रहे। उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे बच्चों को संबोधित करते हुए सकारात्मक चिंतन के प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डाला और बीके हेमा ने संस्था द्वारा की जा रही सामाजिक सेवाओं और राजयोग मेडिटेशन की जानकारी देते हुए अभ्यास भी कराया। आध्यात्मिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक अशी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती कार्य करणारी आध्यात्मिक संस्था आहे। मैं साधारण युवा नहीं हूं, भगवान ने मुझे धरती पर बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। ऐसे ही डिवाइन इंटरनेशनल स्कूल में बीके भगवान ने नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया, जिसकी स्कूल के स्टाफ ने जमकर सराहना की। मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार रहती हूँ कि वो आज स्कूल में आए हैं, आपको ये बात बताने के लिए आए हैं कि आपको करना क्या है। हरी समाज को अच्छा बनाना है तो आज के बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों की आवश्यकता है। यह दोनों ही कार्यशाला सांगली सेवा केंद्र द्वारा आयोजित रही, जिसमें बीके उर्मिला, बीके अश्विनी, बीके दीपक भी उपस्थित रहे। वाराणसी में मैमूरगंज बीके पाठशाला द्वारा संचालित डिवाइन संस्कार शाला में बच्चों के लिए मेडिकल कैंप आयोजित किया गया, जिसमें डेंटिस्ट डॉक्टर निशांत सिंह और जनरल फिजिशियन डॉक्टर प्रशांत सिंह ने बच्चों से पूछताछ और जाँच करके उचित दवाई दी। बच्चों को दी गई सभी दवाई जेनरिक दवाइयाँ थी। यह कार्यक्रम जेनरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। ऐसे ही गुरुग्राम के सेक्टर 9A बीके पाठशाला के 3 साल पूरे होने पर स्नेह मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें पाठशाला संचालिका बीके सुषमा ने केक काटकर सभी के साथ खुशियां मनाई। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।